और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं भीलवाड़ा से। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बता दें ये बड़ी जानकारी भीलवाड़ा से, जहां गुलाबपुरा से ये जानकारी है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर खुशियां मनाना भारी पड़ गया। इंजीनियरिंग कर रहे छात्र पर कश्मीरी छात्रों ने हथियार से हमला कर दिया। कंग्रार के मेवाड़ यूनिवर्सिटी का ये मामला बताया जा रहा है। और जब चिकित्सालय में तबीयत बिगड़ी तो परिजनों को इसके बारे में बताया गया, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये भीलवाड़ा गुलाबपुरा से खबर है, जहां पर जो खुशियां चंद्रयान 3 की हैं वो मनाना भारी पड़ गया जब कुछ छात्रों ने हमला कर दिया। और ये जो छात्र थे वो कश्मीर के बताए जा रहे हैं। कश्मीरी छात्रों ने हथियारों से हमला किया है और मेवाड़ यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है। गुलाबपुरा चिकित्सालय में फिर से तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने भर्ती करवाया। और सहयोगी जयेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, एक तो छात्रों की क्या स्थिति है, जो लोग खुशियां मना रहे थे, जो छात्र थे उनके बारे में क्या जानकारी, कितनी संख्या, पूरा मामला भी बताएं। देखिए, भीलवाड़ा जिले का जो गुलाबपुरा थाना क्षेत्र है, यहाँ का रहने वाला एक छात्र था आयुष शर्मा, जो भीलवाड़ा जिले के जो गंगरार में एक जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की वो पढ़ाई कर रहा था। तो चंद्रयान 3 का जो सफल लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के जो कुछ छात्र थे ये खुशियां मना रहे थे, वहीं आतिशबाजी भी कर रहे थे। पूरे मामले को लेकर जब भारत माता की जय के जब नारे लगाए जा रहे थे, तो इसी दौरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे जो अन्य छात्र थे, तो 10 से 12 छात्र जो कश्मीरी मुस्लिम छात्र बताए गए हैं, उनके द्वारा जो जश्न मना रहे और नारा लगाए जो छात्र थे, उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया, जिसमें जो गुलाबपुरा का छात्र था गंभीर रूप से घायल बताया गया है। जो वो किसी तरह जान बचाकर अपनी वहां से भाग छूटा था, जिसे जो चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जो छात्र आयुष शर्मा है, उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। जी, अब जो परिवारजन है उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, परिवारजनों के द्वारा जो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो घटना घटित हुई है, पूरे मामले के ऊपर शीघ्र कार्यवाही की मांग भी पुलिस से की गई है। साथ में जो क्षेत्रीय जो नेता है, नेतागिरी और नेता की जो है, वे भी थाने पहुंचे हैं, उनके द्वारा पूरे मामले को देखते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयेश, तमाम जानकारी के लिए।